सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उमेश और आप देख रहे हो मैं जोशी की व्लॉग। सो गाइस, आज तुम्हारी 26 मई 2022 और सुबह सुबह हो सकती है, हाँ 11:45 हो चुके हैं सुबह के और अभी 12 बज जाएंगे तो दोपहर होने लग जाएगी। तो जैसे ही मैं कुछ बोलने लग जाता हूँ, सूरज भगवान अपने आपको छुपा लेते हैं और छुप गए। यार थोड़ा बाहर निकल जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो कल से मेरी थोड़ी तबीयत से ख़राब सी थी। अभी यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक एंटीबायोटिक मिलता है जिसका नाम होता है शिशुन, मैंने आपको दिखाया था। उसमें मैंने ऐसे हाथ मारा था तो थोड़ा उसके बाद ठीक है, फिर भी मेरा थोड़ा सा बंद नाक सा हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सी है। तो अभी जाएंगे हम लोग, कोसी जाना है हमें, कि जैसे शादी होने के बाद ना कोई पूजा होती है हमारे गांव में, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो चलेंगे मैं, भैया, भाभी, गोलू गोलू योगेश गोलू और आई अम्मा चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल सामान वगैरह हम ले आए हैं और कुछ जो मैक्सिमम लोग यहाँ से भी चले गए हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे भी रोन किसी रह गई है, बाकी सब चले गए हैं। तो कल हम भी चल जाएंगे यहाँ से, फिर से वैसे ही जैसे पुराने से वैसे ही हो जाएगा। तो देखते हैं फिर क्या होगा। और फिलहाल अभी हमारे सबसे अच्छे सिंगर भैया अंकित भैया भी चले गए और दीदी भी चली गई है और अक्कू भैया और उन्हें छोड़ने गए हैं और जो इनके बाकी और दीदी बहुत सारे लोग चले गए। तो फिर अभी हम लोग भी देखते हैं, चलते हैं इधर की ओर। और बाकी आप मौसम तो देख सकते हैं, बादल आज भी हैं, शायद शाम तक बारिश भी हो जाए। उस साइड तो ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है कुछ, क्या पता बारिश हो जाए। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप, कहीं पे धूप है कहीं पे छाव, यही है भगवान की माना, कहीं धूप कहीं छाया। तो चलते फिर फिलहाल हम लोग भी चले। गाइस अभी हम लोग सोके ठहराए हुए थे और ये कुछ सामान यहाँ पे दुकान में उतरवाना था वो उतरवा रहे भैया। और तो भाभी तो आए नहीं, भाभी का ज़्यादा आना जरूरी नहीं था, वो भैया आए हुए हैं, अक्कू भैया और दिनेश भैया और हम सब और अम्मा। और तो चलते फिलहाल, मज़ा आ रहा है इस गाने में पहाड़ी गाने सुनते सुनते जाते हुए। एक बात है, गोलू के पापा खतरनाक चीज़ लिखते थे दुकान में, उधार सिर्फ 80-90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछ के। वैसे क्या लिखा है, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे। खतरनाक आते इतने अच्छे से ख्याल, भेजा था मैंने। तो गाइस यहाँ पे जो है जोशी एंड सन्स किराना स्टोर एवं जल पान ग्रह, कहाँ पे, सुकेथन, ठीक है। चल नमस्कार, सिंगल लोकेशन, हाँ हाँ भेज दिया, देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा सुंदर लोकेशन में बसा हुआ, सिर्फ एक गांव। हाँ गाइस, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए थे मार्केट में, मार्केट में उतर चुके हैं मतलब। और एक मैंने पीसीएम ले लिया, 5 गोलियाँ और 5 ले लिए विक्स की ऑनलाइन मंगाई थी। तो अभी और भी लेते सामान, तो 10 पैकेट मैगी के ले लेते, कच्चे मैगी बना के खाएंगे आज। फिर 10 पैकेट मैगी के दे दो। इतनी ठंड में स्ट्रिंग ले रहा है ये लड़का, वाह लड़का वाह। लो सर मैगी भी ले लो, और अकेले अकेले स्ट्रिंग पी रहे हो, कैसे से हो तुम लोग यार। भाई बुखार हो रहा है, पैसे तो है, पैसे हैं। सो गाइस वही कोसी नदी है जो हमने कल देखी थी। गाइस अभी हम लोग आए हुए ढाबे में, पहाड़ी ढाबा, पहाड़ी पे यहाँ पे ढाबे वगैरह थे, जोशी भोजनालय, भोजनालय यहाँ पे ढाबे को भोजनालय कहते हैं। सो गाइस फिर आ चुके हैं हमारे छोले और उसमें है तुम्हारा ये रायता और ये चटनी और प्याज और ये पकौड़े। तो खा के देखते हैं क्या स्वाद है इनका, क्या स्वाद है, हैं बढ़िया, चटनी ऐसी है तीखी। खा पी के आ चुके हैं और ये चटनी हमने पैक करवा ली है, बहुत ज़्यादा मिर्ची है उसके अंदर। तो शाम को जब मैगी बनाएंगे उसके साथ यूज़ करेंगे। 30 रुपये की प्लेट थी और इसमें इतना कुछ मज़ा आ गया बस। अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पर हवा भरवाएंगे। फिर से पहुँच चुके दिल्ली में और अभी सो गया था मैं गाड़ी में। सो गाइस अभी हम लोग कोसी से घर आ चुके थे और घर आने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा बहुत काम था जो मतलब बर्तन बुर्तन रखे थे वो रखने के बाद अब हम जो हमने जो कल कथा हुई थी कल हाँ परसों हाँ परसों जो कथा हुई थी उसका प्रसाद बांटना था तो बांटने जा रहे हैं। सो गाइस फिर अभी हम फिलहाल जा रहे हैं कुमार, तो
दो प्रसाद वगैरह हम लोग बांट के अब घूमने के लिए जा रहे हैं कुमार पे, तो चलेंगे वहीं साइड पे। और सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और हमें उधर साइड जाना है ऊपर की ओर। इतने सारे लोग आए हैं देखो आप, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 और 2-3 आ रहे हैं। कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 ही हैं और कुछ आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक धार है। सो गाइस यहाँ पे भी कुत्ता है एक प्यारा सा, पर अभी ये दोस्त नहीं बन पा रहा अच्छी तरह से बताने को। और सब लोग यहाँ बैठे चाय पानी पी रहे हैं आराम से। गाइस इस कुत्ते की एक खासियत बताऊँ, इस कुत्ते को 2 बार भागने काटा है। कहाँ पे काटा दिखाइयो? यहाँ पे काटा है, दिख नहीं रहा अभी घाव, ये देखो निकाल का दिख रहा है। देखिए जो गले में निशान है इसके, यहाँ पे शेर ने काट रखा है एक बार, और एक बार यहाँ गर्दन के पीछे। यहाँ पे चलो बाय बाय। सो गाइस यहाँ पे बन रही है सड़क और ये है गधेरा, देख सकते हैं आप लोग, पानी जा रहा है यहाँ पे। जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए ये छोटा सा, ये यहाँ पे छोटा सा पुल भी है। और जो यहाँ पे ये वाली ये पहाड़ी है, इसके पीछे से यहाँ से दिलकोट दिखता है। पहले यहाँ से दिलकोट जाते थे मतलब हमारे गांव, अब तो वहाँ सड़क से आते हैं, पहले यहीं से जाते थे। यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है दिलकोट। अच्छा व्यू है वैसे यहाँ का बहुत ज़्यादा, नीचे गधेरा है। यहाँ पे एक दुकान बनने वाली है ऐसा कह रहे थे यहाँ पे साइड में, ताकि क्योंकि ये सड़क बन रही है ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी दुकान चलेगी जिसकी बनेगी भी। नीचे चलते थोड़ा सा। ये देखिए ऐसी तार, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बांधी हुई है। ये देखिए यहाँ पे इतना प्यारा पेड़ है यहाँ पे, और सिर्फ 2 ही हांग जोते हुए, एक ये और एक हाँ क्या वो रहा, यहाँ से करता हूँ वो रहा गाइस। ये भी सिर्फ बल्दों को सिखाने के लिए। तो गाइस ताले की चाबी गुम होने के कारण इसका मर्डर किया जा रहा है यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए ये काट दिया, अभी खुलेगा नहीं ना बेचारा हैरिसन का ताला, मजबूत बहुत होते हैं ताले। घूम फिर के आने के बाद हम लोग आराम से आग सेक रहे हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी कमजोरी ये मतलब जुकाम सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने और गोरा ने सोचा आराम से हम दोनों आग सेक लेते हैं। तो कल से तो अब तुझे पता ही है, कहाँ तुम कहाँ हम। कल सुबह हम शायद यहाँ से 10 बजे चल जाएंगे, यहाँ से भी 1:30 बजे की बस है। शक्ल दिख रही है क्या? दिख रही होगी, छोड़ो चाय ना दिख भी ना भी दिख रही भाई नहीं भाई चल छोड़ कर। तो अभी फ़िलहाल हरी सब्जी बनी हुई है और रोटी खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, कुछ ना कुछ करते देखते। फिलहाल अभी बच्चे लोग सब लोग यहाँ भी बैठे हैं और खेल रहे हैं। चलिए सो गाइस यहाँ पे तो रोटियाँ बन रही हैं, दीदी बना रही है, ये बांट रहे हैं, और भाभी भी खा रहे हैं, और यहाँ पे दीदी भी खा रही है, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी फौज। अरे और यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, हाथ तो खड़े कर दो भाई लोग। हेलो अक्कू भाई, ये सब लोग यहाँ पे ऐसे खा रहे हैं, आज आखिरी दिन है, कल से सब लोग अलग अलग चले जाएंगे। बस 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 हो गया। दीदी ईशानू ईशानू कहाँ खा रहे तुम? पकड़ो इसे पकड़ो। और इस दुनिया में सबसे कम खाने खाने वाला जीव है ये। फिलहाल हम लोग खाना वगैरह भी खा चुके हैं जैसे कि, और अब आज आखिरी दिन है यहाँ पे मतलब पहाड़ में। कल सुबह हम लोग 10 बजे चल जाएंगे यहाँ से, और आई होप कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज हम कहाँ कहाँ गए थे, कोसी गए थे एक तो, और उसके बाद फिर हमने घर का थोड़ा बहुत काम वगैरह करके थोड़ी ये गाँव में घूमने गए थे, और एक कुत्ता भी दिखा जिसको 3 बार शेर ने काटा हुआ था। तो फिर शेयर सब्सक्राइब कर देना यार आप लोग, और लाइक तो कर दिया होगा, नहीं करता आप कर दो, कमेंट करना मत भूलना। तो मित्र लाइक तब तक जय भारत।